हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान चुके हैं कि हमारा इंडिया का जो स्कॉलरशिप है वो अभी अभी हो रही है और वो उसको कुछ हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी भी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप स्कॉलरशिप की है, अगर आपका छोटा भाई स्कॉलरशिप की है, तो उसमें आपका पैसा बैंक में आया या नहीं, आप कैसे चेक करेंगे? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को यही सिखाएंगे कि हम खुद का ये जो स्कॉलरशिप है चेक कैसे करें। तो दोस्तों, इसके जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक ब्राउज़र में जाइए, किसी एक ब्राउज़र पे जाइए। अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में जाइए। अगर आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में जाइए और वहाँ टाइप कीजिए PFMS, PFMS। जैसे आप टाइप करेंगे, तो टाइप करने के बाद ये सर्च कीजिए। तो सर्च करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, सेकेंड नंबर का जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, नो पेमेंट्स, नो योर पेमेंट्स, यहाँ क्लिक कीजिए। तो जैसे आप यह क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक नई पेज ओपन हो जाएगी दोस्तों। देखिए, यह आ रही है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। तो यह देखिए, आपका जो अगर आपका अकाउंट बैंक अकाउंट आधार नंबर से कनेक्ट है, तो यह आधार नंबर डाल दीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार नंबर से कनेक्ट नहीं है, तो आप देखिए राइट साइड में यह लिखा है नो योर पेमेंट बाय अकाउंट नंबर। आपको क्या करना है, सिंपली यह क्लिक करना है। तो जैसे आप यह क्लिक करेंगे, तो आपके पास बैंक डिटेल्स आ जाएगा। ऊपर देखिए बैंक नेम, आप यहाँ डाल दीजिए। मेरा स्टेट बैंक है, तो मैं डाल देता हूँ स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिए यहाँ। इसके बाद अगर आपका अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ डाल दीजिए, कॉन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ कुछ कैप्चा भरनी है, जो कैप्चा यहाँ दी है इमेज में वो यहाँ डाल दीजिए। यहाँ जो कैपिटल है, कैपिटल डाल दीजिए। जो स्मॉल है, जैसा है ऐसा ही डाल दीजिए। और इसके बाद आप सर्च पे क्लिक कीजिए। तो सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास आपका स्कॉलरशिप हुआ या नहीं, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको आएगा। क्यों नहीं हुआ और कितना हुआ, ये देखिए मेरा ये स्कॉलरशिप ये हो चुकी है ऑलरेडी। देखिए बेनिफिशियरी नेम इजाबुल हक मेरा नाम है। इसके बाद यहाँ देखिए अमाउंट कितना आपका अकाउंट में आई है। देखिए मेरा जो है 10,800 रुपीज़, यह मेरा अकाउंट में आ चुकी है। तो दोस्तों, कितना तारीख से ये दे भी देख सकते हैं। अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं हुआ, तो भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ स्टेटस है, स्टेटस में मेरा है सक्सेस। अगर आपके पास आपका नहीं हुआ, तो यहाँ सक्सेस नहीं होगा, अनसक्सेस होगा, या फेलर का रीज़न होगा। देखिए फेलर रीज़न क्यों नहीं हुआ, ये फेलर रीज़न आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम हमारा स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और आपका कमेंट करके बता दीजिए कि आपका स्कॉलरशिप हुआ है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।